देखो बुहार के परमाणु मॉडल के आधार पर एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन के कक्षीय चाल का सूत्र ठीक है। इलेक्ट्रॉन के कक्षीय चाल का सूत्र आज हम लोग जिक्र करने के लिए जा रहे हैं। देख रहे हेडिंग इतना बड़ा है, भी बराबर का होगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मान लेंगे, माना कि देखिए यहाँ पर है ये माने परमाणु है, इसका नाभिक ये है, इसकी त्रिज्या आर्यन है, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसका चाल भी है। जैसे तक माना कि एक इलेक्ट्रॉन की एनवी कक्षा का त्रिज्या आर्यन है तथा वेग भी एन है। तो यहाँ पर लिखना ना, सबसे पहले बोहर के द्वितीय परिकल्पना से, सब बोहरे के नियम है, देख लेना। कहा आता है बाबू एम, इधर से लिखते हैं, जगह नहीं होगा तो उधर एम बी आर बराबर एन एच अपान टू पाई। इसका भी एन लगा लो, इसका भी एन लगा लो, समीकरण नंबर एक मान लो। और तब लिख लेना कि पुनः अब जानते होंगे कि जो अभिकेंद्र बल होता है, अभिकेंद्र बल होता है वह वैद्युत बल के बराबर होता है, वैद्युत बल के बराबर। यहाँ पर एम वी स्क्वायर बटा में आर बराबर वैद्युत बल वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू वन क्यू टू होता है, तो वही आप लिखे थे ना जेड ई गुणे ई बटा में आर स्क्वायर, आर एन का स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या लिख दोगे, इसका भी एन लगा लो सब में, यहाँ भी एन लगा लो, यहाँ भी एन लगा लो, समीकरण नंबर दो ठीक है। जगह आप लिखे थे, अब आपको लिखना है समीकरण एक में समीकरण दो से भाग देने का, दो से भाग। अगर चाहते तो यहाँ से आप काट लेते, यहाँ से ये कट गया ठीक है, काट दो। तो समीकरण एक में कहा है, इधर आपको बताते हैं कहा है आपके पास एम वी एन आर एन बट्टा में समीकरण, इसमें क्या है यहाँ पर है एम वी एन का स्क्वायर बराबर, इधर कहा है, इधर आपका एन एच अपान टू पाई पूरा का बट्टा में, इधर कहा है आपका जेड ई स्क्वायर अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू आर एन, यही तो है ठीक है। काटो कुछ, देखो ये यम से यम कट गया बाबू, यम से यम कट गया, काट दे। और कुछ कटेगा, स्क्वायर से भी एन कट गया, और कुछ कटेगा देखो ध्यान से, ये पाई से पाई कट गया, दो से चार दो बार में कट गया ठीक है। और कुछ कटेगा नहीं, नहीं कटेगा। तो क्या बचा है, देखो बचा है आर एन बट्टा में भी एन, आर एन बट्टा में भी एन, इधर क्या बच गया है, इधर बच गया यन यच, यन यच अपान जेड ई स्क्वायर, और अभी ऊपर लेके चले जाओ, क्या बचा है टू एप्सिलॉन जीरो आर एन, यही ना बचा है जी टू एप्सिलॉन जीरो आर एन। तो देखो बाबू आर एन से आर एन भी कैंसिल हो गया, तब यहाँ से शुद्ध रूप में भी एन को ऊपर कर दो, तीसरा दी गुणा कर दो, तो पहले इसका गुणा करो तो जेड ई स्क्वायर अपान यन यच, यन यच और क्या है, और तो कुछ बचा नहीं है भाई, तो इसमें कहा है टू एप्सिलॉन जीरो बराबर भी एन। तो इस तरीके से आपका सूत्र देख, बहुत आसान था, एक बार समझ लीजिए। आपने प्रश्न है आपके पास रीडिंग कि बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कक्षीय चाल का सूत्र, तो वही बात होगी, माना कि इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या आर्यन है, माना कि इलेक्ट्रॉन का वेग भी एन है, तो बोहर के द्वितीय परिकल्पना से एम भी एन आर एन बराबर एन एच अपान टू पाई, समीकरण नंबर एक, उन अभिकेंद्र बल वैद्युत बल के बराबर हो जाएगा।
तो आप भाग दे देंगे, भाग देने के बाद जो बचेगा वो आपका कहा जाएगा, आंसर आ जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए।